हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अटैक पार्ट वन, जो कि यार मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे की है और ये हॉलीवुड से इंस्पायर है। यानी ऑप्शन शो में जो कैरेक्टर इदरीस एल्बा ने प्ले किया था सुपर सोल्जर का, कहीं ना कहीं जॉन अब्राहम भी उससे इंस्पायर नजर आते हैं। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि यार देखो, इंस्पायर आज से नहीं, कई सालों से लोग एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि यार इंस्पायर नहीं होना चाहिए, लेकिन इंस्पायर होने के बाद अपनी तरफ से कुछ मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखो इस पर्टिकुलर मूवी में, तो वो लोग इंस्पायर तो हुए, लेकिन यार ये बार बार इंस्पायर वर्ड मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है। लेकिन वो निकल रहा, अच्छी बात है, लेकिन इंस्पायर होने के बाद ये भूल जा रहे कि ऑडियंस इसी तरीके की चीजें एक बड़े लेवल पर, एक बड़े बजट में, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ देख चुके। तो आप जॉन अब्राहम के साथ छोटे बजट में वही सारी चीजें वापस से ऑडियंस क्यों देखे? और आजकल की यूथ ऑडियंस तो यार बिल्कुल भी सरासर नकार देगी। हाँ, अगर जॉन अब्राहम के फैंस है या उनको वही सारी चीजें इंडिया में देखना है, तो वो लोग ये मूवी एक बार जाके जरूर देख सकते हैं। लेकिन ये मूवी पूरी तरह से बुरी भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर यानी कि अर्जुन शेरगिल का, जब वो सुपर सोल्जर बनता है तो उसके अंदर की जो एबिलिटीज है, यानी कि इतना पावरफुल बन जाता है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर ये लोग क्या कुछ नहीं कर सकते आने वाले कल में। उसके अलावा इस मूवी का बीजे मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड थर्ड इसका एक्शन बहुत अच्छा लगा। जिसने भी इसके एक्शन डिजाइन किया, बहुत ही कमाल के एक्शन है। मतलब पूरी तरह से ये मूवी एक्शन लवर को बहुत मजा आने वाली। इसके अलावा अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करो, सबसे पहला वीएफएक्स। वीएफएक्स उतना हाई लेवल का नहीं है जो हम लोग एज ए फैन एक्सपेक्ट कर रहे थे। कहानी वही है जो आपने जॉन अब्राहम की मूवीज में या दूसरी बॉलीवुड मूवीज में बार बार देख चुके हो, कि एक लड़का है जो फौज में है, जो बड़े बड़े मिशन अंजाम देता है, लेकिन बाद में उसको एक लड़की मिल जाती है और पहली ही मुलाकात में दोनों की किसिंग हो जाती है, दूसरी मुलाकात में डेट पर चले जाते हैं, और तीसरी मुलाकात में उसके लव इंटरेस्ट मारी जाती है। फिर वो कैसे सुपर सोल्जर बनते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, बस यही आपको मूवी में देखना है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जैसे कोई चीज थी नहीं। यहाँ पर कुछ चीज थी तो वो सिर्फ एक्शन था, और जॉन अब्राहम एक्शन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। जैकलिन फर्नांडिस को मूवी में क्यों लेते हैं, किस वजह से लेते हैं वो, या क्या करती है जिस वजह से उसको लेते हैं, आई डोंट नो। बट जैकलिन का जितना भी रोल था वो वैसे था जैसे वो हर मूवी में करती है। रघुप्रीत सिंह थोड़ा बहुत इंप्रेसिव लगती है। प्रकाश राज सर के बारे में तो एक ही चीज बोलूंगा कि यार वो बहुत ही गजब के एक्टर है, और उनको ऐसे ही रोल में हमें देखने में मजा भी आता। हालांकि वो अगर नेगेटिव रोल भी करते तो भी अच्छे ही लगते हैं। ये मूवी आप सिर्फ जॉन अब्राहम के लिए जाके देखना, और कुछ नया अलग करने की कोशिश की इस वजह से जाके देखना। अदरवाइज अगर आपको नहीं देखना है मेरा रिव्यू देखने के बाद, तो फिर आप लोग कमेंट से बता सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 6 out of 10। और पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, मूवी में एक किसिंग सीन है जो कि अचानक हो जाता है। खैर, अब हम लोग बात करेंगे मॉर्बियस की, जो कि सोनी पिक्चर की तरफ से आई है आफ्टर वेनम। तो क्या हम लोग यहाँ पर स्पाइडर मैन नो वे होम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्पाइडर मैन नो वे होम पूरी तरह से एक एमसीयू वाली मूवी थी, लेकिन मॉर्बियस एक सोनी की मूवी है। देखो यार, वेनम 1 और वेनम 2 में भी सोनी ने यही हरकतें की थी जो उन्होंने मॉर्बियस में किए। हालांकि वेनम 1 और 2 चलने की वजह यह है कि हमें टॉम हार्डी को देखना था, हमें वेनम इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेस्परेटली देखना था स्क्रीन पर। उसके अलावा वेनम और एडी ब्रॉक के बीच की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। और फोर्थ, उन दोनों ही मूवी में जो विलन थे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, यानी कि अहमद और अपने वुडी हैरिसन। तो ये कुछ वजहों से वेनम 1 और वेनम 2 चली है। बगैर कहानी के मामले में देखो तो दोनों मूवी ने हगा था, मतलब कहानी बताने का कोई सेंस वहां था ही नहीं। और अगर मॉर्बियस पिक्चर की बात करूं तो माइकल मॉर्बियस, जिनको एक रेयर ब्लड डिजीज है, और इतना ही नहीं इनके एक दोस्त माइलो को भी सेम यही प्रॉब्लम है। तो माइकल बचपन से ये चाहता है कि भाई किसी भी तरह से अपनी इस डिजीज को क्योर करेगा, और अपने दोस्त की भी, और इस तरह के जितने भी लोग हैं उन सबको ठीक करेगा। तो ऐसे में माइकल यानी कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस, अब वो बचपन में तो डॉक्टर होता नहीं, बड़ा होकर वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन डॉक्टर माइकल मॉर्बियस कैसे एक वैम्पायर बनता है, फिर क्या कुछ होता है, बस यही जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी टोटली शिट है। स्टार्टिंग के 50 मिनट बस एक ही चीज को लोगों ने इतना खींचा है कि भाई वो वैम्पायर कैसा बना, और उसके बाद वो किस तरह से वो पावर को समझने की कोशिश कर रहा है। यार 1 घंटे 30 मिनट की मूवी में बस आप लोग यही बताओगे 50 मिनट, आपके पास कुछ सेंस बचा ही नहीं। और 2 साल से जब ये मूवी बन चुकी थी, तो जब आप स्क्रीनिंग में देखते हो तो आपको उतना अंदाजा नहीं कि यार ये मूवी पूरी तरह से गोबर बनी है। आप फिर से रीशूट कर सकते थे ना भाई, एमसीयू वाले जो कि आपके साथ ही काम करते मिलके, एमसीयू वाले लोग भी इसी तरह से हकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा रीशूट कर लेते हैं। तो जब आपके पास मूवी 2 साल से रेडी थी, तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर पूरी मूवी को रीशूट क्यों नहीं किया? मतलब पूरी नहीं तो कम से कम आधी तो करते। मूवी में देखने लायक क्या है? बस वो अच्छा सा VFX है और वो स्लो मोशन के सीन्स है। बाकी उसके अलावा परफॉर्मेंस गया भाड़ में, ना कोई स्टोरी है, और हद है कि भाई इसमें जो एंड क्रेडिट सीन्स है वो तो ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली घुसाया गया है। मूवी में आपने ना ठीक तरह से फ्रेंडशिप बताई, यानी कि माइलो और माइकल के बीच की फ्रेंडशिप, वो दर्द, वो पेन जो
वो इस डीजे से गुजर, वो आपने ऑडियंस को नहीं बताया, ना ही आपने ठीक तरह से लव स्टोरी बताई है। यस, माइकल मॉर्बियस और उसका जो लव इंटरेस्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर ठीक तरह से नहीं बताया। तो ऑडियंस कनेक्ट करे तो करे किससे? तो ओवरऑल मैं तो बोलूंगा मॉर्बियस एक ऐसा डिजास्टर है जिससे बाहर आना सोनी के लिए बहुत मुश्किल है। और मॉर्बियस इस कैरेक्टर को लेके अगर वो सिनिस्टर सिक्स का प्लान करे तो अच्छा है, लेकिन उन्होंने बेस ही खराब कर दिया। तो अब आगे चल के ये कैरेक्टर क्या करेगा आई डोंट नो। 2 महीने बाद जब ये होम रिलीज होगी तभी जाके इस पर्टिकुलर मूवी को देखना। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5 out of 10। 5 भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका VFX अच्छा लगा और ये कैरेक्टर को मैं स्क्रीन पर देखना चाहता था, बस दैट्स इट। खैर अब हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स की एक नई सीरीज जिसका नाम है द लास्ट बस। इसमें टोटल 10 एपिसोड है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 35 मिनट से लेकर 40 मिनट के बीच में। ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ओवर पावर कर रही है ह्यूमंस पे, और इस तरीके की चीजें आपने हॉलीवुड में बहुत बार देखा, लेकिन यहाँ पर जो मेन इस बार है वो है बच्चे। ऐसी कंपनी नजर आती है जिसका नाम है मॉन्क हाउस डायनेमिक्स। अब ये बेसिकली रोबोट्स बनाती है, लेकिन इनका एक ड्रॉप शेप वाला रोबोट अचानक से माल फंक्शनिंग होने लगता है और भाई मतलब उथल पुथल मच जाती है। लेकिन इसी बीच हमें एक एकेडमी के स्टूडेंट्स नजर आते हैं जिसमें नैश, मीशो है, सोफी है, टॉम है, बेथन है, डैनी है, जॉश है और चेल्सी है। और इनके सर मिस्टर शॉर्ट्स और कुछ और स्टूडेंट्स एक इवेंट पर जा रहे हैं जो कि इवेंट ऑब्वियसली मॉन्क हाउस डायनेमिक्स ने ही अरेंज किया है। अब वो इवेंट्स में जाने के बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे लोग गायब होने लगते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये जबरदस्त साइफाई एडवेंचर कॉमेडी सीरीज। इस पर्टिकुलर शो का आप लोग स्ट्रेंजर थिंग्स से कंपेयर नहीं कर सकते, कोई कंपेरिजन नहीं है। बट आफ्टर स्ट्रेंजर थिंग्स आई वॉज डेस्परेटली वॉन्ट कि कुछ बच्चों से रिलेटेड चीजें आई जिसे देखने के पेरेंट्स को भी अच्छा लगे, ऑडियंस को भी अच्छा लगे और बच्चों को भी अच्छा लगे, और साथ साथ शो आपको कुछ सिखाए भी। जैसे कि ये शो आपको एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी और कैसे सस्टेनेबिलिटी रहना चाहिए पूरे एनवायरमेंट पर, ये हमें सिखाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। और स्टार्ट से लेकर एंड तक हर एक कैरेक्टर को इस शो में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। एंटरटेनमेंट की गारंटी ये शो आपको डेफिनेटली देता है। और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स यहाँ पर बताया है और जहाँ पर ये शो खत्म हुआ, लिटरली आपका मन करेगा कि भाई इसका सीजन 2 कब आया, और सीजन 2 में वो बच्चे अब वो किस तरह से चीजें करेंगे। जो चीजें हुई है मैं यहाँ पर रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हुई है वो कमाल की हुई है। जो होते हैं ना वो जब चीजें करते हैं तो काफी हद तक रियल भी लगती है, वो एंजाइटी आपको फील होती है, और यहाँ पर वो सारी चीजें हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो, सब एक्टर्स ने अपने हिस्से को बहुत अच्छी तरह से किया है। VFX का बहुत ही क्लास लेवल का है और एडिटिंग बहुत बढ़िया, मतलब हर एक एपिसोड कब शुरू होता है कब खत्म होता है पता भी नहीं लगता है। शो एडल्ट और बच्चे दोनों ही देख सकते हैं, इसमें कुछ भी अश्लील नहीं है। मैं शो को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10। डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल शो अगर आपको देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।